कि हम जो डिफ़िकल्टी जिस चीज़ को मानते हैं जीवन की, वो वास्तव में डिफ़िकल्टी नहीं होती और वही सबसे अच्छा जीवन होता है। और ऐसे में हम सबसे ज़्यादा अपने संग साथ होते हैं। और अगर ऐसी परिस्थितियों को हम डिफ़िकल्टी ऐसा माने कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका दूसरा भाव ये हो जाता है कि हम इसका मतलब अपने साथ नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, जो मैंने एक डिस्कोर्स में पहले बोला भी था कि जो बोर्डम शब्द है, ये सिर्फ मनुष्य इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई चिड़िया, कोई तोता, कोई फूल, कोई प्रकृति कभी किसी चीज़ से बोर नहीं होती। इंसान बोर इसलिए होता है कि उसने अवलंबन दूसरी चीज़ों पर आश्रित कर लिए हैं। हमें खुशियाँ हम सोचते हैं कि किसी दूसरे से मिलेगी। ये जो अदर हाफ है, ये जो दूसरे पर हमारा सारा कुछ आश्रित हो जाना है, ये हमें परेशानियाँ और दिक्कतें और दुविधाएँ देता है। अगर हम अपने आप से प्रेम करने लगें, अपने साथ रहने लगें, अपने आप को समझने लगें, तो ज़िंदगी की आधी समस्याएं तो स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं और फिर जीवन वैसे ही अच्छा होने लगता है। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि हम अगर किसी न किसी चीज़ में उलझे हैं, फंसे हैं और उसको ठीक से कर रहे हैं, तो हम बहुत कामयाब हैं या हम बहुत सक्सेस हैं या हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सब चीज़ें, थोड़ी आत्मबोध अगर हमारा जाग जाए तो फिर हमें पता चलता है कि समय की सदुपयोगिता क्या है और समय को कैसे हम करें, और ये सब संभव है। और जहाँ कोई व्यक्ति जहाँ पर भी है, वहीं से संभव है, वहीं से संभव है।